राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये छोटा छोटा डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में भी डाल सकते हो, जेंट स्वेटर में भी, कहीं भी डाल लो। छोटा डिजाइन है ये, डला हुआ भी अच्छा लगेगा। ये एक डिजाइन, ये 8 फंदे का है। आप इसको 8 की जगह 7 का बना लो, 6 का बना लो। जैसे ये उल्टे फंदे रख रखे हैं, 5 5 फंदे रख रखे हैं, 3 फंदे का ये डिजाइन है, 8 फंदे का हो गया। अगर इस जगह आप ज़्यादा रखना चाहो, बीच में 5 रख लो, 6 रख लो, 7 8 10 रख लो, 2 रखने हैं 2 रख लो। मैं 5 5 रख रही हूँ। अब पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी, जो बॉर्डर बना के पहली सिलाई में बना था, पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी आपको। अपनी तरफ धागा करके एक फंदे को कोने वाले को स्लिप करना चाहो स्लिप कर लो, बनाना चाहो बना लो। मैं स्लिप कर रही हूँ ये फंदा। एक फंदा गिर गया यहाँ। एक दो तीन चार पाँच, 5 फंदे उल्टे बना लिए पहले, फिर पीछे धागा करके 3 फंदे सीधे बना लिए। 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 8 फंदे का एक डिजाइन है। यही 8 फंदे हमें आगे बनाएंगे। अब आगे अगला डिजाइन, फिर 5 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, 5 फंदे उल्टे, पीछे धागा करके 3 फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके 5 फंदे उल्टे, फिर पीछे धागा करके 3 फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके 5 फंदे उल्टे। अब डिजाइन को सेट करने के लिए, जैसे 8 फंदे का एक डिजाइन हो गया, फिर 8 फंदे का एक हो गया, फिर 8 का हो गया, 5 फंदे ये हमने ज़्यादा डालने पड़ेंगे। 8 फंदे के हिसाब से 5 फंदे ज़्यादा डालेंगे। फिर आगे दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमें सारे फंदे ऐसे उल्टे बना लेंगे। हाँ जी, मेरा डिज़ाइन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देख ही रहे हो तो बेल को भी प्रेस कर देना, और बेल प्रेस करने के बाद 3 बेल आएंगी। सबसे ऊपर वाली को प्रेस करना, फिर बाद में आल लिखा मिलेगा उस पर, वो दबाने से आपको जितनी भी वीडियो डालूँगी आपके पास मैसेज आएगा, आप उसी टाइम देख सकते हो मेरी वीडियो। और नए नए डिजाइन की वीडियो बनाऊंगी। 2 सिलाई होगी। अब आ गई तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई में हमें किस तरह बनाएंगे, फिर 5 फंदे ये उल्टे हो गए, 5 फंदे उल्टे, फिर जो 3 फंदे सीधे बनाए थे उनमें हम पहले जाली बनाएंगे, फिर 3 का 1 बनाएंगे, फिर आगे 1 जाली और बनाएंगे। 3 फंदे के हम 3 ही बना देंगे, 1 2 3, आगे की साइड से ऐसे फंदा मारा, धागा मारा अपनी तरफ है, ऐसे जाली होगी, और 3 फंदे का 1 फंदा बना दिया। एक फंदा बढ़ा लिया, 2 फंदे घटा दिए। अब जो एक फंदा और बच गया हमारा घटा हुआ, वो फंदा हम अपनी तरफ धागा करके ऐसे जाली बना देंगे, ये लपेट के 5 फंदे उल्टे, जाली बना के 3 का 1, फिर 1 जाली बना दी। 3 फंदे के हमने 3 ही फंदे बना दिए यहाँ। आगे फिर इस तरह, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे हैं जो 1 2 3, आगे की साइड से ऐसे 3 का 1 कर देंगे और साथ में जाली बना देंगे। फिर एक फंदा जो कम हो गया वो फंदा हम ऐसे लपेट के जाली बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे, फिर आगे 3 फंदे का 1 बना देंगे आगे की साइड से यूँ ऐसे।
जाली बना के तीन फंदे का एक बना देंगे। फिर जो एक फंदा कम हो गया ये फंदा में से लपेट के जाली बना देंगे। फिर पांच फंदे उल्टे, बिल्कुल आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा ये डिजाइन। फिर चौथी सिलाई आ गई, चौथी सिलाई को हम पूरी सिलाई को इस तरह उतार देंगे, सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। जल्दी भी बनेगा ये डिजाइन और बनाने में भी आसान है बिल्कुल ही। अब ये चार सिलाई पूरी हो गई हमारी और एक डिजाइन पूरा हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चे के कार्डिगन में बिल्कुल अच्छा लगेगा ये और जेंट स्वेटर में भी। अब आगे फिर हम चार सिलाई बनाई है, ये यही चार सिलाई आगे बार बार बनाएंगे तो देखो ऐसा डिजाइन बनेगा। अब आगे फिर मैं एक बार फिर बना के दिखा रही हूँ अगला डिजाइन। चार पांच फंदे उल्टे, अब ये अगले डिजाइन की पहली सिलाई है। फिर आके तीन फंदे सीधे, चार फंदे पांच फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर पांच फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर पांच फंदे उल्टे। अब ये पहली सिलाई इस तरह उतार दी, आगे फिर उल्टी सिलाई हम उल्टी उतार देंगे। अब यही चार सिलाई जो पहले उतारी है यही चार सिलाई आगे बनाएंगे बार बार हम।